आप सभी मीडिया पर्सन्स का स्वागत करता हूँ। हर साल हम मिलते हैं आपसे, इस बार भी मुखातिब हुए हैं। इस बार थोड़ा सा मेरी ही शूट की वजह से थोड़ा लेट मिल रहे हैं, नहीं तो हम शायद 5 तारीख को मिलते हैं। 68th है इस बार, 68वां है ये नाट्य नृत्य प्रतियोगिता, जो कि लीगेसी हम लोगों ने कायम की है। आप जानते हैं मेरे पिता सुदर्शन गौड़ ने 1955 में बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा और मदनपुरी साहब के साथ मिलकर इस नाट्य संस्था की नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक हम लगातार ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। सिर्फ कोविड की वजह से 2 साल हम लोगों ने थोड़ा विराम देना पड़ा, ना चाहते हुए भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऑनलाइन इसे किया, जो कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। हमने इसमें एक स्मॉल फिल्म फेस्टिवल भी उस दौरान किया, जो लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। तो धीरे धीरे हमारी संस्था जो है प्रभु कृपा से कुछ नए आयाम छू रही है। बहुत सारी चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे हमने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। थिएटर और डांस जगत के लोगों को हम एक स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके तहत वो अपनी ड्रामा की ट्रेनिंग या डांस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। वो लोग जो हुनरमंद है लेकिन उन्हें फाइनेंशियल उसे गुजरना पड़ता है, तो हम जो अभी भी चलता है, जिसमें हमने कोविड से ग्रस्त लोगों की अपनी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत मदद की, जिसका हमें बहुत उस समय साथ भी मिला। तो इस बार पूरे इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से, पहली पहली बार ही मैं कहूंगा, इस बार हालांकि आते हैं लेकिन पहली बार हमारे 20 स्टेट्स से लोग आए हैं। 20 स्टेट्स से, आप हैरान होंगे जानकर कि हमारी बहुत सारी टीमें वेटिंग में भी रही हैं। नाटक इस बार 27 नाटक है, लगभग ऑल ओवर इंडिया से। मणिपुर से भी टीम आ रही थी, लेकिन क्योंकि वहां के हालात अचानक से, आप जानते ही हैं क्या वो हुआ है वहां पर, उस वजह से वहां की टीम ने एंड टाइम पर कैंसिल किया। अदरवाइज वो भी है, इस बार शिमला यूनिवर्सिटी की भी हमारी, शिमला की टीम है, मृणाल यहाँ पर है, शिमला से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार हमने इसको एक और वृहद आकार दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप जितना ज़्यादा कवर करेंगे हमारे इस फंक्शन को, उतना ही हम लोग और लोगों तक पहुंच पाएंगे। हम अपने डिजिटल माध्यम से तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मीडिया का एक अलग सहयोग होता है, एक अलग कार्य होता है, एक अलग कार्य रूप भी होता है और एक प्रणाली भी अलग होती है। तो वो सहयोग अगर आपका मिलेगा तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। अब मैं चाहूंगा रेखा कुछ बोले। जैसे रोहित जी ने बताया कि एक्चुअली में हम चाह रहे थे कि इस बार हम कम टीम्स लें, क्योंकि हमें उनके लिए अकोमोडेशन करना, कई लोगों के लिए जो अपना कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टीमें सब उतने फाइनेंशियली अच्छे इसमें आते हैं बैकग्राउंड से। सो वी प्रोवाइड एन अकोमोडेशन, तालीबाड़ी और राम मंदिर जो भी हमें मिलता है, फिर बुटेल में भी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि रिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारा ऐसे हुआ कि हम 200 डांसर्स के बजाय आज हम पहुंचे हैं 372 डांसर्स पे। तो अब सोचिए 370 परफॉर्मेंसेज अगर होंगे तो कितने सारे आर्टिस्ट होंगे। तो हमारे आर्टिस्ट लगभग 1000-1200 के बीच में आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे बताया मुझे ने 20 स्टेट से। पूरा इंडिया यहाँ पर है और ये इमीडिएटली इंटरनेशनल समर फेस्टिवल के बाद हो रहा है। समर फेस्टिवल आपने देखा होगा, आपने इंजॉय किया होगा, एक बड़े लेवल पे होता है। लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे ही इवेंट करते हैं, इट्स नॉट सो ईजी, बट येस आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हमारे आर्टिस्ट बड़े खुश होंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रमोट करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे, सो दे बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से आते हैं, अपने खर्चे पे आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी रेलवे कंसेशन जो था आर्टिस्ट के लिए वो भी बंद कर दिया। तो हम डरे हुए थे कि रेलवे कंसेशन बंद होने के बाद में आर्टिस्ट के का रिस्पॉन्स क्या होगा, बकायदा अभी बड़ी डॉक्टर। लेकिन जैसे बताया, इतने सारी टीम्स आ रही हैं ड्रामा की और डांसेस की, वेरी हैप्पी। बड़ी बड़ी टीमें हैं, मतलब ऐसी भी टीमें आ रही हैं, बड़ी टीम्स आ रही है 70 लोगों की, गुजरात से आ रही है 60 की, 40 की, 20 की। तो हमारा इवेंट कल शुरू हुआ है, कल इनॉग्रेशन हुआ है, सीएम सर आने वाले थे लेकिन उनकी फिर कैबिनेट मीटिंग आ गई, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अभी हमारे गेस्ट लिस्ट में बहुत सारे इन्वाइटेड हैं, और उन्होंने हाँ कहा है, जैसे हमारे एएसपी होंगे, एसपी होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर, हम सबको इन्वाइट किया हुआ है। गवर्नर जी ने भी कहा है वो आए 10th को, 6:30 को ही विल बी कमिंग फॉर द वेलिटी फंक्शन, वो हाफ एन आवर वो देखने के लिए वहाँ पे रहेंगे। फिर 8 को हमारे डीजीपी ने भी कहा है वो आएंगे ड्यूटी में, वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे कौन कौन है। ये सपोर्ट मिल रहा है, ये लीगेसी हम कैरी कर रहे हैं। 68 साल से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की भर्ती नहीं पाती, बहुत मुश्किल है ये तो है। छोटी पापा जी थे, रोहित जी चेक कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली मैंने शादी की, मैं थोड़ी इवेंट में अच्छी रही तो हमें कह रही है, बच्चों को भी हमने ट्रेन कर दिया है, टीम बनाई है, नागपुर से भी है और वो कर रहे हैं। दिस सपोर्ट वी वॉन्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमें कि वो हमारे 5 दिन के जब आते हैं यहाँ पे हम,
क्योंकि हम यहाँ पे हिमाचल में हिमाचल को के टूरिज्म को भी बढ़ाते हैं, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, साथ में ये भी करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारा साथ दे रहे हैं। तो बस साथ ही आप लोगों का ताकि सरकार पर पहुँच जाए बातें, बाकी तो बहुत अच्छे गवर्नर ने बात की, सीएम ने बात की, सबने बात की। सो अनफॉर्चुनेटली दो ही चीज शूट करे थे, रात को शूट किया, सिक्स को आए, तो सबसे मिलना जुलना जो हुआ वो मैंने किया विद सिमी जी हमारे जो यहाँ से हैं, तो वो अच्छा रहा। बट अब मैं चाहूंगी कि रोहित जी भी अपनी तरफ से बीइंग अ सेलिब्रिटी, आई थिंक ही कैन, बहुत सारी चीज़ों में इजाफा होता है। पहले चीज़ें इतनी प्रोफेशनल भी नहीं थी, थोड़े से भावनात्मक लोग ज़्यादा थे, अब दे आर मोर, बड़ी बात है मैं वहाँ क्यों ना हूँ, तो ये चीज़ें बहुत वो जो एक मानवीय रिश्ते होते हैं उनमें एक एंट्री ली है। और जैसे नाटक भी है वो पहले से बहुत बेहतर है, डांसेस पहले से बहुत बहुत बेहतर है। तो 68 सालों के इस सफर में मैंने ग्रोथ देखी है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखी है, रिश्तों की ग्रोथ को छोड़ देता हूँ, रिश्तों के अलग तरीके से है। ये लोगों की तरह भी प्रति बड़ा है या बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। प्लेटफॉर्म है पूरा, डिजिटल माध्यम है। आज देखिए ना आप, एक गांव में बैठा बच्चा जो है वो एक गाना गाता है और पूरे भारतवर्ष में वो चर्चित हो जाता है, एक छोटे से स्कूल में गाने और वीडियो के। बट गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देती है क्योंकि मेरे ख्याल से हिमाचल में भी नहीं इस तरह से बस ये है। सर्वे टाइम में देखा जा रहा है देखिए क्या हो गया कि राइटर्स को ये समझ नहीं आ रहा अब और कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, अब क्या करें, तो अब वो जो है वो पुराने को ही थोड़ा सा रिवाइव करके उसी में कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ फ्यूजन जिसको बोलते हैं, ऐसा ऐसा करके कुछ एक्सपेरिमेंट कंटेंट क्रिएट करना है। आप राइटर से पूछो उनकी क्या हालत होती है, वो रात को सोचते हैं तो अरे सर ये तो कर चुके हैं, फिर सोचा अरे सर ये भी कर चुके हैं, तो अब क्या करें, कैसे नया लाएं। तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे चलो ऐसा करते हैं कुछ वहां से चुराते हैं कुछ यहां से, एक ऐसे टोटलिटी में अब कुछ ये दे देते हैं, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। लेकिन थिएटर में फिर भी ओरिजिनैलिटी कायम है, भले ही हम पुराने नाटक उठाते हैं लेकिन थिएटर में जो कॉन्टेंट आ रहा है आज भी, देवन ज्यादा जानते होंगे, वो बहुत ओरिजिनल है। हमारे यहाँ जो अभी प्लेज आ रहे हैं, आए हैं 26 एमेचर लेवल पे प्ले आए हैं, आप अलग अलग कंटेंट देखेंगे उसमें, तो कंटेंट लेवल पर थिएटर जो है वो अभी भी है, लेकिन फिल्मों और ओटीटी की वजह से वाकई जो है वो थोड़ा सा राइटर्स के लिए दिक्कत हुई है। और डांस की थीम कहें तो मेरे ख्याल से भी उन्होंने परफॉर्म किया, भंगड़ा किया, वो फिर बाद में अपनी नाटी भी करती है। लेकिन जब मैं कुछ साल पहले यहाँ पे आई थी तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हिमाचल से कोई भी आर्टिस्ट नहीं था। मैंने डिस्कस कर रही जिससे कि हिमाचल का पार्टिसिपेशन कम क्यों, क्योंकि दिया पर अंधेरा रास्ता हो गया ना, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे नहीं। सो स्लोली स्लोली आई स्टार्ट डेवलपिंग, मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू की, फिर हमारे पास टीमें बद्दी से आई हैं, हमीरपुर से आई हैं, नाहन से आई हैं, सोलन से आई हैं, शिमला से आई हैं और कोई प्लेस है वहाँ से, तो ये टीमें आ रही हैं। अब ये आप उनसे पूछिए। नहीं इसका जवाब मेरे पास है। देखिए क्या है कि शिमला में अभी जो रंगमंच हो रहा है वो बहुत बेहतरीन रंगमंच हो रहा है। वो हमारे साइड में जब हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप यहाँ पर की थी उस समय जो थिएटर की स्थिति थी, अब फिर से वो रिवाइव हो रहा है हिमाचल का थिएटर, लेकिन दे आर मोर सेमी प्रोफेशनल, दे आर नॉट एमेचर्स। और हमारा जो कंपटीशन होता है वो शौकिया रंगमंच करने वालों का है, तो जो सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं ना वो कॉम्पिटिशन में बहुत इंटरेस्टेड होते नहीं है इस वजह से। और बोलिए सर, ये डिजिटल युग का फायदा मानते हैं या नुकसान मानते हैं? इसका बहुत फायदा है सर, इतना फायदा है। एक तो रोजगार के अवसर बहुत पैदा हुए हैं। जब सिर्फ फिल्में होती थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बेरोजगारी थी, बेचारे जितने यहां से स्ट्रगलर जाते थे उनके पास कुछ भी नहीं था। और फिल्मों में कौन था उस समय? हीरो हीरोइन विलेन, बस। बाकी बेचारे बस स्ट्रगलर एक्टर ऐसे खड़े हुए शूटिंग देखते रहते थे, कभी डायरेक्टर से मिलने का चांस मिल जाए।
लेकिन अभी ओटीटी की वजह से सिनेमेटोग्राफर्स, राइटर्स, एक्टर्स और आर्ट डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स अचानक से एक ऐसे लोग उभर के आए हैं जो ऐसा लगता था ये इतने टैलेंटेड लोग छुपे कहाँ थे। इतने टैलेंटेड लोग अभी उभर के आए, तो आज का जो यूथ है ना, दे आर अमेजिंग। अभी ऑडिशन भी ऑनलाइन होते हैं आपके, हाँ बट ट्रैवल। ओटीटी पे भरोसा जा रहा है, हाँ जी, घर परिवार आप किसी के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो क्या ये सही है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। मैं समझता हूं कि ओटीटी पे जो परोसा जा रहा है, अगर तो वो कंटेंट से संबंधित है और कंटेंट से जेल करता है, जेल करता है, अगर उसकी नीड है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप टीआरपी बटोरने के लिए उसे डाल रहे हैं कि अगर इसको डालूंगा तो दर्शक ज्यादा जुड़ेंगे और यूथ जो है वो वाला सीन देखने के लिए प्रेरित होंगे, तो वो गलत है। जैसे अगर हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, उसमें आपको कई बार लगता है कि बुरा है, लेकिन कई बार लगता नहीं, ये सीन के साथ जा रहा है, जेलिंग विद दी होल कंटेंट। तो ये अगर हो रहा है, जैसे बहुत सारे वेब सीरीज में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जो जहां नहीं होता वो बहुत बुरा भी है, उससे यूथ पे बुरा असर भी पड़ता है। जी, कुछ फिल्में धर्म को लेकर फेमस हो रही है, जैसे जेलवा कोरी को लेकर काफी विवाद हुआ, कश्मीर फैंस को लेकर काफी विवाद हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कई तरीके की फिल्में बन रही हैं, पूरा विवाद हो रहे हैं, क्या ये पॉलिटिक्स के लिए हम लोगों क्या मैसेज? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो जिससे हमारे भारत की थोड़ी सी, उसमें एक संयम बरतना चाहिए। जैसे चाहे कोई भी फिल्म है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स है या अभी केरला केरला स्टोरी है, हालांकि उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, दे आर सेइंग कि उनके पास इसका एक प्रूफ है, इसका एक वो है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें जो है भारत की जनसंख्या को देखते हुए, धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए, क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक पहुंचता है, और इस मोबाइल के माध्यम से तो और भी ज्यादा, तो थोड़ा सा हम संयम बरतें। नहीं, कुछ बोलना चाहूंगा? मैं तो इस आपने कहा ऑनलाइन डिजिटल का बहुत फायदा भी है, नुकसान भी है, इट्स ऑलवेज देयर। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं आजकल, पहले क्या था, आपको देना है ऑडिशन तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ऑन ऑल द वे टू मुंबई या यहाँ पे भी आपके प्रोडक्शन हाउस हैं। अब वो नहीं करते, आपके वेबसाइट है, आपके पास आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप भेजते हैं, बकायदा कास्टिंग होती है, बकायदा सेशन होता है। अभी हमारे पास अभी अर्जुन पीछे खड़े हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर है, जैसे इंजीनियर रिलेटेड एवरीथिंग और राइटिंग में आ गया, अभी बॉलीवुड में आ रही है, और भी कनेक्शन बहुत सारे इस तरह से हुए हैं कि डिजिटली बेसिकली। तो ये फायदा है, और हमारे लिए मैं वो फायदा बताऊंगी काउंट करूंगी, क्योंकि मैंने समाज के, तो मैंने व्हाट्सएप पे शुरू किया, फिर फेसबुक पे, फिर इंस्टाग्राम पे, इस तरह से फैलाना शुरू किया, और उसके